नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विभिन्न क्षेत्र के जाने माने कलाकार सुपरस्टार अविनाश तिवारी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा लगता है कि अविनाश तिवारी के पीछे विभिन्न क्षेत्र का एक पूर्व भरा हाथ धोकर पीछे पड़ा है और अविनाश तिवारी को नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हाल ही में अविनाश तिवारी के खिलाफ एक और आरोप लगा है, जिसमें एक युवती वर्षा सिंह ने अविनाश तिवारी पर गाली गलौज और होटल के कमरे में बुलाकर छेड़खानी का आरोप लगाया है। अविनाश तिवारी पर लगे आरोपों पर आज उनके साथी कलाकार सैलू शर्मा का वीडियो सामने आया है, जिसमें मामले की पूरी सच्चाई सैलू शर्मा ने बताई। आपको बता दें, द खबरदार न्यूज ने अविनाश तिवारी से भी इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की और पाया कि जबकि यह घटना बताई जा रही है, तब अविनाश तिवारी मुंबई जा रहे थे। द खबरदार न्यूज आगे भी इस घटना की पड़ताल करेगी कि आखिर वर्षा सिंह ने अविनाश तिवारी को टारगेट बनाकर सुर्खियां बटोरने की फिराक में थी या कुछ और वजह है। फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं सैलू शर्मा का लाइव वीडियो, जिसमें उन्होंने काफी हद तक इस घटना के पीछे का कारण बताया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद, देखें ये वीडियो। जो भी चल रहा है एक दो दिन से, तो उस बारे में मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, इसीलिए मैं लाइव आई हूँ। क्योंकि मैंने कल रात में एक पोस्ट भी डाला हुआ था कि जो भी आवाज़ आ रही है मेरी, पहले आप लोग ये बता दीजिए, इतने भी लोग देख रहे हैं तो बता दीजिए आवाज़ आ रही मेरी। हिमांश पटेल जी, हाँ ठीक, थैंक यू। तो जो भी आप लोगों ने देखा ही होगा अविनाश तिवारी का जो भी चल रहा है, तो भाई मेरा भी नाम आ ही रहा है और आएगा क्यों ना, क्योंकि करने वाली जो है तो वो मेरी दोस्त है और अभी की नहीं, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और यही सारी चीज़ें हैं। आवाज़ साफ आ रही है दीदी, थैंक यू हिमांशु। तो जो भी है मतलब मैं क्या ही बोलूं, कल से ही परेशान थी कि क्या बोलूंगी मैं इस पे, अगर बोलना भी हुआ तो बोलूंगी क्या, क्योंकि होता है ना बात का बतंगड़ बनाना, बाल के खाल निकालना, ऐसा कुछ है इसमें और ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि जो हम पुलिस में, मीडिया पे या आप लोग के सामने बोलें, आप लोगों के सामने वो बात रखें। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी हो जैसा भी हो, तो हम लोग अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखें, अच्छी चीज़ें रखें, अच्छे कंटेंट रखें, ना कि ये क्या बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये राणी छगही वाला जो भी है वो आप लोगों के सामने रखें, क्योंकि हर जगह छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें रखने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये मुद्दा इतना तूल पकड़ रहा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें बोलना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा है और मेरा नाम भी आ ही रहा है, और नाम नहीं भी आता तो भी वो मेरी दोस्त है जिसने ये चीज़ें, ये इतने बहुत बड़ी बात होती है जो भी उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो उसी सब चीज़ों में मुझे लगा कि बोलना चाहिए। तो वो ठीक है, वो पुलिस स्टेशन गई, मीडिया वाले जो भी पत्रकार भाई साहब हैं सब लोगों ने वो खबर भी चलाई, बहुत लोगों ने रिटर्न में चलाई, बहुत लोगों ने उसका वाइट वीडियो बना के चलाया, बहुत लोगों ने तरह तरह से चीज़ें चली। मैंने भी कल एक पोस्ट डाला, मुझे भी लगा कि हो सकता है कि मेरा भी कोई ले ले वीडियो वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैंने पोस्ट भी डाला था कल कि जिसको भी जो भी है, मतलब कभी भी ये हमारे लिए भी है, आप सब के लिए भी, कभी एक पक्ष को देख के कभी भी किसी को लेके अपनी मानसिकता नहीं बनानी चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है। अगर वो व्यक्ति ऐसा है, अगर उस व्यक्ति ने ऐसा बोला है, तो उसके पीछे कौन सी ऐसी बात रही होगी कि उस व्यक्ति ने बोला है। तो कभी भी नहीं, मैं खुद नहीं करती हूँ कभी एक पक्ष सुन के, मैं कभी भी डिसीजन नहीं लेती हूँ किसी को भी लेके कि वो गलत है या वो बहुत सही है। तो बात ये है कि जो भी मेरी दोस्त ने बोला कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, बचपन में इतनी दोस्ती नहीं थी जितनी बड़े होके दोस्ती हुई है,
उसने ये बोला कि उसमें कि अश्लील मैसेजेस भेजते हैं और रीबा की उसमें कई कई उसमें हेडलाइन बनी थी कि रीबा की लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजा जाता है और ये सारी चीज़ें किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अश्लील मैसेजेस भेजे जाते हैं। इवन मेरे दोस्त तक को अश्लील मैसेजेस नहीं भेजे गए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जो भी वर्षा ने एक और चीज़ बोली कि हम नहीं जानते हैं, हमें कुछ टाइम मिले हुए हैं फेस टू फेस और अननोन नंबर था वो जब फ़ोन आया हुआ था कि कौन क्या। तो बात ये है कि वर्षा से अविनाश से आप अब से क्या हो जाएगा, दो साल हो जाएगा, 2019 14 दिसंबर को पहली बार मेरी दोस्त मिली थी। मेरा जन्मदिन होता है 14 दिसंबर को, तो उस दिन एक गैदरिंग थी, छोटी सी गैदरिंग थी घर पे। तो घर पे सबकी मुलाकात हुई थी एक दूसरे से, वो लोगों से भी मुलाकात हुई थी जो आज टीम में नहीं है और जो आज हैं उनसे भी मुलाकात मेरी दोस्त की हुई थी। तो ये कहना तो एक तो झूठा है, गलत है कि हमें कुछ ही टाइम मिले हुए हैं और हमारा नोन नंबर था, ये था, वो था। तो ये सारी चीज़ें थी। और उसने ये भी बोला कि मेरे थ्रू तो ऐसा है, हाँ वो मेरे थ्रू मिली है, लेकिन आप देखेंगे कि एक कैंटीन करके हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ था, तो उस वीडियो में मेरे साथ जो लड़की थी वो वही थी। तो हम लोगों ने साथ में वीडियो भी बनाया हुआ है, हम लोगों ने एक दो जगह पे मतलब ऐसे काम भी किया हुआ है। बाकी उसके अलावा गैदरिंग तो बहुत ही हुई है, हम लोग चित्रकूट भी साथ में गए थे, हम लोग बहुत जगह साथ में गए हैं। हमारे घर पे ना जाने कितने बार अविनाश और मेरी दोस्त सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमने दीपावली भी साथ में मनाई है, हमने होली भी साथ में मनाई है, हम कई जगह भी साथ में गए हैं। लेकिन बात ये है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि अभी जुलाई में हम लोग बनारस गए हुए थे, लास्ट जुलाई 15 या 16 के टाइम पे मैं इंस्टा पे लाइव भी आई थी, मैं फेसबुक में भी लाइव आई थी, उसमें वर्षा भी दिखी थी। तो हम लोग लाइव गए हुए थे तो बनारस में, वहाँ से उन लोगों का मैटर एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। अरे नितेश जी लिखने दीजिए ना जिसको जो लिखना है, अब ये सब सुनने की मुझे आदत हुई हो गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को ये सच बताना चाहती हूँ जो वाकई में सच जानना चाहते हैं। मैं यही चीज़ें नहीं चाहती थी कि पब्लिक में ये सारी चीज़ें आएँ, पब्लिक में ये सब चीज़ें बोला जाए, पब्लिक, पुलिस, मीडिया, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन आज फाइनली वो चीज़ें हो गई हैं। तो जब मेरे से जुड़े लोगों ने ही ये सारी चीज़ें हुई हैं तो मैं अब इन उल्टा सीधा कमेंट लिखने वाले बाहर वालों से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि वो मेरा सपोर्ट करें या ना करें। बात ये है कि हम सिर्फ सच बताना चाहते हैं, जो भी सच है सिर्फ सच बताना चाहते हैं। तो बात यह है कि जुलाई पे हम लोग बनारस गए हुए थे, वहाँ से मुद्दा चालू हुआ था, वहाँ से इन दोनों में मनमुटाव हुआ था, मेरी दोस्त में और वर्षा में कुछ ऐसी बातें थी उसको लेके मनमुटाव हुआ था, वहाँ से इन लोगों का मनमुटाव स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग साथ भी मिले लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात बात नहीं करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है मेरी फैमिली है और अविनाश है और मेरी दोस्त है, तो हम लोग भी अच्छे से एक फैमिली तरह ही रहते हैं। मेरी खुद फैमिली जहाँ पे रहती है वहाँ पे या तो अविनाश रहते हैं या तो मेरी दोस्त रहती है, मतलब एक फैमिली जैसे ही हैं हम लोग। मामला क्या है बबलू सिंह जी, मामला लंबा है, मामला कोई ऐसा बहुत बड़ा मामला है ही नहीं, मतलब मामला तो उसको बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जो बातें हैं अगर मैं आपको स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगी तो आपको बहुत बातें बेतुकी लगेंगी और आपको समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि कोई ऐसे अचानक से वाला मामला नहीं है। तो इसलिए मुझे वो शुरू से बताना पड़ रहा है कि दो साल पहले से बताना पड़ रहा है, जब से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मेरे थ्रू जानते थे
पर जानते थे। तो लड़ाई जो हुई, जो मन मुटाव हुआ, जो कहा सुनी हुई, वो जुलाई में हुई थी। उसके बाद से इन दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम थी। ये दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहते थे, बात भी नहीं होती थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। कुछ दिनों से क्या हो गया था कि मैं थोड़ा सा अपने इंस्टाग्राम पे और अपने सोशल मीडिया वाली दुनिया पे ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई थी। तो इसलिए इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण मैं यहाँ पे मतलब मुझे इस बात का मतलब मेरे ही अंदर कमी है कि मैं बघेली पे इतना वो नहीं कर रही थी, काम नहीं कर रही थी, ध्यान नहीं दे रही थी। और बहुत बार मैं सूट पे नहीं जाती थी और वो लोग बोलते रहते थे। अभी आपको पता होगा एक बुधिया शॉर्ट फिल्म आने वाली है, उसका सूट हो गया था लेकिन उसको रीशूट करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं थी, इसलिए उसको रीशूट करना पड़ रहा है। तो उस चक्कर में अविनाश मुंबई भी जाते आते रहते हैं, फिलहाल भी वो मुंबई में ही हैं। तो उसको लेके तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर और बाहर की चीज़ों पर इतना ज़्यादा खो गई थी कि मैं कभी कभी ऐसे हो जाता था कि कह देती थी कि अभी टाइम नहीं है, अभी काम नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें। तो उसको उसके कारण थोड़ा सा हम लोगों के बीच में मन मुटाव चलने लगता था, यहाँ की टीम को लेके और मेरे खुद को लेके ये सारी चीज़ें चलने लगती थी। तो वो मन मुटाव थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता गया और मैं उतना ही इन्वॉल्व होती गई थी अपने इंस्टाग्राम और रील्स वगैरह बनाने में, जो आप लोगों को खुद भी दिखता होगा कि रील्स वगैरह मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। कहीं ना कहीं वही रीज़न था, उधर इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लगा था रील्स बनाना, अभी भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, वही सारी चीज़ें मन मुटाव का रीज़न थी। और ये मेरी अच्छी दोस्त होने के कारण मैं सारी चीज़ें इसे शेयर भी करती थी, बताती भी थी। तो मैं बराबर कनेक्टिविटी में नहीं रहा करती थी। तो एक्चुअली मैं मुझे मुद्दे कुछ और है ही नहीं कुछ, तो मुझे लग रहा है मैं आप लोगों से क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, लेकिन दो दिन से इतना इसको मुद्दा बनाया जा रहा है तो बोलना पड़ रहा है। पर ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अरे कहूँ तो क्या कहूँ, मतलब कुछ है ही नहीं। होता ना घर में होता है, जैसे चार लोग रहते घर पे, बहस होती है, लड़ाई होती है, सब कुछ होता है और कभी कभी कहा सुनी ज़्यादा हो जाती है। वही चीज़ हुई है ना, कि कोई ऐसी चीज़ हुई है ना, ही कोई पब्लिक में ऐसा कुछ हुआ है और ना ही इलीगल कुछ हुआ है, ना ही ऐसा कुछ है कि लड़की वड़की वाला मैटर, अश्लीलता वाला मैटर, ऐसा कुछ भी है ही नहीं। तो वही सारी चीज़ें थी हमारे बीच में, काफ़ी टाइम से मन मुटाव भी था, अविनाश भी यहाँ नहीं थे, सूट भी नहीं हो रहा था, तो हम लोगों का थोड़ा बहुत मिलना जुलना भी कम था, टीम भी सब इधर उधर थी। तो हो गया, वर्षा के साथ मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। तो और मेरे घर पे भी कुछ मेडिकल इशूज आ गए थे, तो उसकी वजह से भी मैं काम नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं दे पा रही थी। तो क्या था कि यही सारी चीज़ें थी। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरी दोस्त भी 2 साल से जुड़ी है, कहीं ना कहीं एक दो वीडियो में है भी, और वैसे भी हम लोग बहुत सारी गैदरिंग किए हैं साथ में, तो उधर फ़ोन चला गया परसों की बात है, परसों उधर फ़ोन चला गया। तो उन लोगों की बहसबाजी हुई, तो गाली किसी एक ने नहीं दी है, गाली दोनों तरफ से हुई है। और सबसे पहले मेरी दोस्त ने जुलाई में अविनाश को अविनाश के सामने गाली दी थी, ये भी बात सही है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि हर कोई देख रहा है और हर कोई देखेगा आगे चल के ये लाइव। तो सबसे पहले मेरी दोस्त ने अविनाश को गाली दी थी, सामने पे दी थी, मुंह पे दी थी और बनारस में गाली दी थी। वो गाली गंदी है और इतने मतलब बहुत गंदी है, गाली तो गंदी ही होगी लेकिन मैं बोल भी सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं बोलना है वो गाली, क्योंकि वो मेरी दोस्त को पता है और जो वहाँ पे था, हम चार लोग थे, तो एक मैं ही हूँ, एक मेरी दोस्त थी और दो और लोग थे, तो उनको भी पता है। तो वहाँ उसने गाली दी थी, वहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि ये दोनों कभी भी मतलब ऐसे साथ नहीं रहेंगे, जहाँ पे वर्षा रहेगी वहाँ पे अविनाश लोग नहीं रहेंगे, जहाँ पे अविनाश लोग रहेंगे टीम रहेगी, काम रहेगा, वहाँ पे वर्षा नहीं रहेगी, ऐसा था। लेकिन फिर भी लोकल होने के कारण, सब लोग इकट्ठा होने के कारण ये सारी चीज़ें होती जाती थी, कभी कभी आदमी टकरा जाता था, कभी ऐसे घरेलू फंक्शन है, घरेलू प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें सभी लोग साथ खड़े होते थे, तो वो लोग भी रहते थे। तो कुछ दिनों से क्या था कि मेरा थोड़ा सा एकदम से, मैं सारी गलती अपने ऊपर लेती हूँ, कहीं ना कहीं
बात विवाद जो भी है तो मुझसे ही स्टार्ट हुआ है, तो मैं ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी होने लगी थी दूसरी चीज़ों में, और एक भी कोई भी मतलब नहीं रख रही थी, कोई भी फ़ोन कोई कुछ भी नहीं रख रही थी अविनाश लोगों के साथ। टीम भी मेरे से बात करना चाहती थी फिर भी मैं बात नहीं करती थी, काम भी करना चाहते थे वो लोग तब भी मैं काम नहीं करती थी। और बात ये है कि जो बुधिया शॉर्ट फिल्म है उसमें सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया है, स्टार कास्ट हो गए थे और उसका कुछ शूट भी हो गया है, तो उसके कारण सबको दिक्कत थी कि अगर अचानक से लड़की चेंज होगी या कोई और चेंज होगा तो दिक्कत आएगी, प्रॉपर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। इसके कारण भी सब लोग टेंशन में थे क्योंकि वो बहुत बड़ा टास्क हो गया है अभी हम लोगों के लिए। तो उन सब चीज़ों के कारण ही मैं नहीं इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर पा रही थी उन लोगों को। जिसको भी चुतियापा लग रहा है ना प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, ठीक है ना। चुतियापा तो दो दिन से हो रखा है यहाँ पे, फिर भी मैं उन चीज़ों को बता रही हूँ जो चीज़ें लिटरली बोलूँ तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कल या परसों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, पर्सनली पूछ रहे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ है फिर भी कुछ हुआ है, चीज़ें जब चल रही हैं लोगों के सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए, बस मैं सच बताऊँ। और जिसको भी चूतियापा लगता है प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, लाइव में इतना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि चाहे वो दोस्त हो, वो भी दोस्त मेरी है, चाहे वो टीम बदनाम हो रही हो, अविनाश बदनाम हो रहे हो, वो सब लोग भी हमारी टीम है, फैमिली है, और घर जैसे हम लोग रहते हैं, घर जैसे हमारा परिवार, अविनाश का परिवार या वर्षा मेरे दोस्त में कोई फर्क नहीं है, सब ऐसे लगता है कि एक ही घर से हम लोग हैं। तो जिसको भी चूतियापा लग रहा हो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, ठीक। तमाशा मैं नहीं क्रिएट कर रही हूँ, तमाशा दो दिन से चल रहा है, फिर भी मैं उस चीज़ में बहुत ही आराम से बात करना चाह रही हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों की गलती है ही नहीं, किसी की गलती है ही नहीं, गलती मेरी है कि मैंने दोनों लोगों को 2 साल पहले मिलवाया था, मैंने सोचा था कि ये मेरी दोस्त है तो मेरे साथ हर जगह रहे और ये मेरी टीम है तो मेरे साथ हर जगह रहे। तो जिसको भी ये चूतियापा लग रहा है, चूतियापा एक्चुअल में है पर लग रहा है, तो निकल लो प्लीज़ यहाँ से, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो वाकई में इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, जिसको भी ये लग रहा है कि हाँ इसके पीछे और भी बात है, मैं सिर्फ उनको बताना चाहती हूँ, ना कि उन लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ, ठीक है। का कह चाह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक से बतावा, जब कुछ ठीक से है ही नहीं तो क्या बताऊंगी, लंबी स्टोरी है तो लंबी स्टोरी ही बताऊंगी ना, जब कुछ है ही नहीं कोई मैटर ही नहीं है यार, कोई लड़ाई ही नहीं है तो मैं क्या बताऊंगी। जो चीज़ें हैं जैसे होता है ना घर, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे होता है घर में होता है लड़ाई झगड़ा, पंचायत होती है और सडनली कोई जाके पुलिस कंप्लेन ये वो करने लगता है, सिर्फ उतनी ही चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि परसों मैं वर्षा के ही साथ थी तो अविनाश का फ़ोन आ रहा था और मेरा फ़ोन डेड हो गया था, वो बंद हो गया था फ़ोन, तो वर्षा के नंबर पे अविनाश का फ़ोन गया कि बात करा दो। तो वर्षा और अविनाश की मैंने पहले ही बताया कि जुलाई टाइम से ये चीज़ें चल रही थी, वो एक दूसरे को दोनों लोग नहीं पसंद करते थे, तो उसने अविनाश ने बोला कि बात करा दो, वर्षा ने बोला तू कौन ये वो करके, तो लड़की फिर थाने क्यों पहुंची, यही तो बता रही हूं क्यों पहुंची लड़की थाने। तो क्या था कि उसने बोला कि बात करा दो और वर्षा ने बात नहीं कराई, वहां से मैटर चालू हुआ, वहां से गाली गलौज हुई, ठीक। लेकिन फिर वर्षा वहां से निकली, वर्षा बोलना नहीं चाहिए लेकिन हाँ, वर्षा भी बहुत हाइपर थी, बहुत ही ज्यादा हाइपर थी कि मैं अब ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं, बोल कैसे दिया मुझको ऐसा वैसा। मैंने बोला कि ठीक है हो गया, तुझको लगता है ऐसा है तो उसने गाली दी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो पता था कि तुमने आज कितने महीने पहले अविनाश को गाली दी थी और मुंह पे गाली दी थी। तो मैं एक तो पहली बात कि कभी नारीवाद नहीं खेलना चाहिए किसी को भी, कि हमारे लिए कोई कानून बना है, हमारे लिए कोई कानून ने सेफ्टी कर रखी है तो हमको उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहिए,
कभी भी गलत फायदा उसका नहीं उठाना चाहिए। कोई भी लड़की हो, हमेशा उसी बात पे थाने पहुंचना चाहिए जो वाकई में हमारे साथ घटना घटित हुई हो, क्योंकि पुलिस मीडिया जो भी है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए है। अगर कोई नियम कानून बने हैं तो हमारी सिक्योरिटी के लिए। और मुझे लगता है लड़का लड़की सब बराबर ही हैं, ऐसा नहीं है कि गाली सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, लड़के के लिए नहीं गाली होती है। उतना ही आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचता है लड़के के भी और उतना ही लड़की पे भी लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल लोग लड़की को गाली दे दिए तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, लड़के को आप गाली दो, लड़के को कुछ भी बोलो तो वो मुद्दा नहीं होता है, लड़का थाना पुलिस जाता है तो भी मुद्दा नहीं होता है। भाई क्या आप लेके जाएगा कि लड़की ने मुझे गाली दे दी, तो भाई हजार सवाल क्यों लड़की ने गाली दे दी। ये चीज़ लड़की से कोई क्यों नहीं पूछता कि भाई गाली तक बात कैसे आ गई, कोई पागल नहीं है, कोई ऐसे क्या किस मूड में है कि आपको फोन लगाया कि शैलू से बात कराओ, आपने नहीं कराया तो सीधे जान से मारने की गाली दे दी, क्यों दे दी भाई। और बहुत सारी चीजें हैं कि आप पहले भी साथ रहे हो तो गाली क्यों दे दी गई, गाली ऐसा क्या हुआ था। तो कभी जुलाई पे वर्षा ने अविनाश को सामने गाली दी थी, वही सारी चीजें थी। और जस्ट दो दिन पहले वर्षा ने लंबा चौड़ा मैसेज लिख के अविनाश को गाली भर के गाली दी थी। अविनाश को कान्हा है, हमारे टीम का लड़का है, कान्हा के मैसेंजर पे वर्षा ने लंबा सा गाली गलौज लिख के अविनाश को खुलेआम गाली गलौज लिख के भेजा था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी कोई गाली देगा, काफ़ी टाइम से आपको गाली देगा, हमेशा आपके लिए खुलेआम खुला आपके अगेंस्ट रहेगा, आपको बोलेगा, तो जाहिर सी बात है कि कभी आपका एकदम से मन भर जाएगा और आप गाली दे दोगे, क्योंकि एक सहने की क्षमता एक ही होती है, वो पार होती है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी पोस्ट में हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो समाज में वो नहीं देखता है, उसके मुंह से भी गाली आ जाती है। सेम चीज़ें हुई है, अविनाश ने गाली दी है, मैं वो चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ अविनाश ने गाली दी है। और वो भी मैं बता रही हूँ कि जुलाई से गाली गलौज चल रही थी, वर्षा ने सामने गाली दी थी और दो दिन पहले जस्ट कान्हा के नंबर पर वर्षा ने लिख के लंबा चौड़ा मैसेज गाली दी थी। तो उस दिन जब ये सब हुआ तो अविनाश ने भी गाली गलौज की, ये बात सही है। पर मुझे ये नहीं लगता है कि गाली सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, गाली लड़कों को भी उतनी ही बुरी लगती है और सबका उतना ही आत्मसम्मान होता है, सबका उतना ही रिस्पेक्ट होता है, सब कुछ उतना ही होता है। इसलिए कभी भी नारीवाद का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि हम 2 साल से साथ में थे, हमने साथ में घूमे हैं, फिरे हैं, हर जगह गए हैं, सुख दुख में साथ रहे हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं पर्सनल चीज़ें भी शेयर करता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें भी आदमी एक दूसरे की कमियां जानता है, एक दूसरे की कमजोरी जानता है जब साथ रहता है किसी के। तो वो सारी चीज़ों का कभी अगर घर वाले आपकी खिंचाई करने पे आ जाएंगे तो वाकई में आपका सर नीचे हो जाएगा, क्योंकि जो घर वाले होते हैं वो हमारी कमियां जानते हैं, हमारी गलत चीज़ें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो इस सब सिर्फ वही चीज़ें हुई हैं कि ये 2 साल से साथ आना जाना रहना घूमना फिरना सब कुछ हुआ, अचानक से जुलाई से गाली गलौज का मैटर चालू हुआ और सबसे पहले वर्षा ने गाली दी है। वो मेरी दोस्त है, मैं इस पर बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूँ, पर हाँ सबसे पहले वर्षा ने अविनाश को मुंह पे गाली दी थी और जस्ट 2 दिन पहले वर्षा ने कान्हा के मैसेज पे लिख के लंबा चौड़ा गाली गलौज का लिख के भेजा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़की गाली दे सकती है लड़के को तो कोई केस निबंध कुछ भी नहीं बनता है। तो अगर लड़का एक सहने की क्षमता ख़त्म हो जाती है लड़के की, वो सिर्फ इतना बोला कि शैलू से बात करा दो, तो इतनी सी बात पे गाली गलौज और बहस चालू हुई, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। और बाकी रही बात पर्सनल चीज़ों की, किसी के निजी ज़िंदगी पे दखल करने की, तो वो ना मेरा राइट है, ना वर्षा का राइट है, ना अविनाश का राइट है, किसी का राइट नहीं है किसी की पर्सनल चीज़ों पे दखल देना। और रही बात फिर उसके बाद जो गाली गलौज के बाद वर्षा बहुत हाइपर हो गई, वर्षा ने बोला कि अभी मैं जा रही हूँ, वर्षा ने खुद बोला कि मिल तो कहाँ पे मिल रहा है, तुरंत मिल ऐसा वैसा करके। तो वो एक जगह नाम लिया गया, आप लोगों को पता ही होगा, वहाँ पे नाम लिया गया कि हाँ ठीक है मैं आती हूँ मिल, क्योंकि मैं वर्षा के पास ही थी। वो वहाँ से निकली है, वर्षा ने लंबा चौड़ा एक डंडा लेके वर्षा निकली है, वो डंडा अभी भी मेरे रूम पे रखा हुआ है। वर्षा लंबा चौड़ा डंडा लेके निकली है, मैंने उसको मना भी किया है कि वर्षा ये सब मत कर, ये सब लेके मत चल पब्लिकली, हम स्कूटी पे डंडा लेके जा रहे हैं, वो चीज़ें गलत असर जाएंगी, लेकिन उसने एक भी नहीं सुना, वो बहुत हाइपर थी
और जाहिर सी बात है गाली गलौज में कोई भी हाइपर हो जाता है, सेम चीज़ें उसके साथ चल रही थी, सोचने समझने की क्षमता ख़त्म थी, तो वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कोई नहीं था, अविनाश नहीं थे, कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर वहाँ से मैं अपने रूम पे चली गई हूँ और वर्षा वहाँ से चली गई है। उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थाना पुलिस मीडिया तब कुछ भी मुझे नहीं पता था। मैं शाम को उठी हूँ तब मुझे पता चला कि हाँ वर्षा गई थी, कंप्लेन की है। फिर दूसरे दिन से मीडिया पे ही चलने लगा था, उसी दिन शाम से चलने लगा था, पर दूसरे दिन से वीडियो चलने लगे थे कि हाँ ऐसा हुआ है वैसा हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा उतना ही बोलना चाहिए जितना सच हो, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मानती हूँ हर एक चीज़ की वजह मैं हूँ। क्योंकि अगर मैं टीम को बराबर बात करती हूँ लोगों से, तो वो लोग इतना हाइपर नहीं होते, वो लोगों का इतना स्ट्रेस नहीं बढ़ता। और अगर मैं ही हर एक चीज़ की जड़ हूँ, और गलती कहीं ना कहीं मेरी ही है, क्योंकि वर्षा मेरी दोस्त है और उधर मेरी टीम है, तो दोनों लोग मेरी वजह से ही मिले हुए थे। कभी गैदरिंग करते थे तो मेरी वजह से ही करते थे। लेकिन जो दो तीन चीज़ें बोली गई वो चीज़ें तकलीफ वाली थी। एक तो कि रीवा की लड़कियों को अश्लील मैसेजेस भेजते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है, किसी के भी कैरेक्टर पे बात नहीं उठानी चाहिए। और ये गलत बात भी, अगर और लड़कियों को मैसेजेस भेजते हैं, अगर अश्लील भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि उन लड़कियों को भी सामने आना चाहिए, इल्ज़ाम बस नहीं लगाना चाहिए कि हाँ लड़कियों को मैसेजेस भेजते हैं ये वो करके। क्योंकि सब लड़कियों का नंबर पासवर्ड वर्षा जी के पास नहीं रहता है कि वो जानेंगी कि किसको मैसेज जा रहा है किसको नहीं जा रहा है। सबको अपने पद का और गरिमा का ख्याल होता है कि कौन कहाँ पे है, तो मुझे कब कहाँ क्या करना चाहिए। और दूसरी बात ये, जो वर्षा ने सीधे झूठ बोला कि मारा पीटी छीना झपटी छेड़खानी, ये कोई भी चीज़ नहीं हुई है। हम लोग आए हैं, ये सही बात है, यहाँ पे भी जहाँ पे हम लोग आए थे वहाँ पे भी सीसीटीवी लगा हुआ है, एक्चुअली पूरे बिल्डिंग में ही सीसीटीवी लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हुई, मारा पीटी छीना झपटी ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, क्योंकि अविनाश लोग मिले ही नहीं है। और बाद में पता चलता है कि अविनाश लोग हैं ही नहीं, वो मुंबई के लिए निकल गए हैं, कहाँ थे कैसे थे कोई वो नहीं मुझे पता, क्योंकि हमारी सिर्फ फ़ोन में बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बेबुनियाद है दो तीन इल्ज़ाम जितने भी हैं। हाँ ये बात सही है कि अविनाश ने गाली दी, लेकिन उससे पहले जुलाई में वर्षा ने गाली दी थी। तो गाली गलौज जो भी हुआ है दोनों तरफ से हुआ, किसी एक तरफ से गाली गलौज या कुछ भी एक तरफ से नहीं हुआ है, जो भी हुआ है दोनों तरफ से हुआ है। चूतिया बना रही हो, तो चूतिया क्यों बन रहे हो प्रभु? मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े दोनों लोग हैं। तो अगर हम यही कहते हैं किसी को भी इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि वो अपना आपा खोए, क्योंकि बातें सबको उतनी ही चुभती, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो चाहे वो कोई भी हो, बातें सबको उतनी। अगर आप लगातार यहाँ पे लिख रहे हो ना तुम चूतियापा कर रही हो, तुम ये तुम वो ऐसा वैसा, तुम पाखंडी हो ना, तो वो बात मुझे बुरी लग रही है ना। एक आदमी बघेली के लिए काम करता है या कहीं के लिए काम करता है, वो एक अलग चीज़ होता है, वो एक कैरियर होता है। लेकिन बोलने से पहले जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। वैसे ही सेम चीज़ आप लोगों पे भी होती है कि कमेंट करने से पहले आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। आपका कमेंट किसी को उकसा सकता है, आपका कमेंट कुछ भी करा सकता है। तो ये चीज़ें जितना हमारा फ़र्ज है कि यहाँ पे सारी चीज़ें सारा माहौल नॉर्मल रहे, उतना ही जो आप लोग देख रहे हैं जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उसका भी फ़र्ज है कि हाँ आप कैसा कमेंट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, है ना। अभी कल इतना ज़्यादा तमाशा चल रहा था, इतने सारे लोगों ने उसको न्यूज़ बनाया, इतने सारे लोगों ने वो किया। मैंने भी कल रात में एक पोस्ट डाली थी कि आप लोगों को जिसको भी जो भी जानना होगा तो बता दीजिएगा, मैं बताऊंगी, मैं सब कुछ सच बताऊंगी, दोनों पक्ष आने चाहिए सामने। तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला भाई, क्या है ना कि चटपटा मसाला और चटपटी चीज़ें तब मिलती हैं जबकि किसी इंसान को लोग गलत साबित करते हैं, तब होता है चटपटा, तब पत्रकारों को भी मज़ा आता है, पत्रकारों को भी अच्छा लगता है। जिम्मेदारी
किसी की होती है दोनों पक्षों को देखना। हमारे जितने भी मीडिया हैं, पत्रकार हैं, उन पे इंसान बहुत भरोसा करता है। वो जो लिखते हैं तो लगता है कि हाँ सही ही होगा। आज से नहीं, ये हमेशा से चीज़ें चलती आ रही हैं। पर हमेशा दोनों पक्षों को देख के रखना चाहिए, दोनों पक्षों का सुनना चाहिए, दोनों पक्षों को सामने रखना चाहिए। सफाई नहीं दे रही हूँ मैं, ये जो चीज़ें दो दिन से चल रही हैं ना, तो कहीं ना कहीं सबको परेशान करती हैं। क्योंकि जो भी हो रहा है वो मेरा भी घर परिवार है, मेरे से भी जुड़े लोग हैं। सब बोल रहे हैं कि वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना, अरे वो तो साथ में ही रहते थे ना, वो तो अविनाश लोग, वर्षा लोग, तुम तो साथ में ही मेरे घर आए थे ना, क्या हो गया अचानक से। तो ये सारी चीज़ें सब लोग बोलते हैं, और परसों से लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि बात करिए, पूरा मैटर बताइए। मैंने सबको यही बोला कि मैं जो भी बताऊंगी, जैसे बताऊँ लाइव बता दूंगी। मैं किसी एक एक को बताने नहीं जाऊंगी कि हाँ ये बात है, ये बात है, ये बात है। मैं वो बता दूंगी। मुझे आपके कमेंट, यहाँ पे मैं विधायकी या कुछ नहीं लड़ रही हूँ कि आपका मुझे वोट चाहिए। अगर आपका मुझे वोट नहीं मिला तो मैं हार जाऊंगी। मैं वही बोल रही हूँ जो सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई गलत नहीं है, देखा जाए तो सब गलत है। मैं गलत हूँ, दोस्त गलत है, अविनाश गलत है, सब गलत है। क्योंकि पर्सनल चीज़ें, निजी जिंदगी थी, हम लोग फैमिली जैसे रहते थे, हम लोग घर जैसे रहते थे, हम लोग साथ में घूमते फिरते थे, हम लोग साथ में कुछ काम भी साथ में किए हैं। ये सारी चीज़ें निजी ज़िंदगी में थी, लेकिन निजी ज़िंदगी को मेरी दोस्त थाना, पुलिस और पत्रकारों तक लेके गई, इसलिए मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ। अगर ये चीज़ें आप लोगों तक नहीं जाती तो मैं कभी बोलती ही नहीं आप लोगों से, कभी कुछ भी नहीं बोलती। आपने न्यूज़ चैनल कुछ भी दिखा देते हैं, दिखाएं, मैं पत्रकारों को जो दिखाना है वो दिखाएं, लेकिन हमेशा दोनों पक्षों का दिखाएं कि हाँ अगर ये पक्ष ये बोल रहा है तो ये पक्ष क्या बोल रहा है, क्या है दोनों चीज़ें। और कहीं ना कहीं मैं भी प्रूफ बात कर सकती हूँ कि हमारे साथ दोस्त भी काम की है और काम ना भी की है, फिर भी बहुत जगह फोटो वीडियो लाइव में वो हम लोगों के साथ है। ऐसे ही कोई साथ नहीं हो जाएगा, है ना। कभी अच्छी बनती है, कभी अच्छी नहीं बनती। चार बर्तन होते हैं तो खटखट होती है, जरूरी नहीं है कि वो खटखट हुआ तो अब कोई कहीं भी पहुंच जाए और कोई कुछ भी बोलने लग जाए। जब मारा पीटी, छीना झपटी, छेड़खानी नहीं हुई है तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें बोलनी चाहिए। और गाली गलौज दोनों तरफ से हुआ है तो खुल के एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ गाली गलौज दोनों तरफ से हुआ है, मैंने भी दिया है, मैं भी डंडा लेके निकली थी कि हाँ मिलेगा तो मारूंगी, लेकिन नहीं मिला और नहीं मारा पीटी हुई। तो उस चीज़ को थाने में ये नहीं बोलना है कि हाँ मारा पीटी हुई है, ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। उतना ही बोलना चाहिए जितना कि सच है। और अगर आज मैं लाइव आके बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत, दो दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से सबको सच बताना चाहती हूँ कि हाँ बात क्या थी, चीज़ें क्या थी, है ना। यही सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि गलती एक की नहीं है, गलती सबकी है। और ये पहली बात तो मुद्दा ही नहीं है आप लोगों के बीच ले जाने का, लेकिन आ गया है इसलिए बोल रही हूँ। नहीं आता तो कभी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, इकट्ठा रहते हैं, साथ घूमते फिरते हैं, अलग होते हैं, बिछड़ते हैं, फिर नए लोग आते हैं, नए काम आते हैं, नई जगह आती, सब कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख है, सबक है कि किसी को इतना भी ज़्यादा करीब मत रखो, किसी को भी इतना ज़्यादा परिवार और घरेलू चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहिए कि कल को हमारी कमजोरी जाने, फिर हमारे बारे में कुछ भी बोले, कहीं पे भी बोले। ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ी सीख है। आप सब लोग एक टीम की तरह काम करिए समझदारी से। अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, प्रदीप सिंह जी। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो काम करेंगे। अगर बघेली में मैं काम करती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अविनाश के ही साथ काम करूँगी जी। बिल्कुल सही बात है, अविनाश को लाइव आके अपना स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन मैं किसी और का जिम्मेदारी नहीं लेती, मैं किसी और का ठेका नहीं लेती हूँ। कौन लाइव आए, ना आए, कब आए, ना आए, क्या बोले, ना बोले, रही बात मेरी, मेरा नाम आ रहा था और कहीं ना कहीं वाकई में मेरे से ही सब कुछ शुरू हुआ था, तो इसलिए मैं लाइव आके बोल। वर्षा, सैलू, अविनाश तीनों को लाइव आना चाहिए। बिल्कुल, अगर सबको लगता है कि कॉन्फ्रेंस रख लेना चाहिए, लाइव आना चाहिए, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। घुटकी सूख गई? नहीं 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 सूखी है। तो
यही सारी चीजें हैं। आप लोग भी बच के रहिएगा, ठीक है? आप लोग भी दोस्ती करेंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन देखिएगा कोई ना कोई ऐसा ना हो जो कल को ये सारी चीजें पब्लिक में लेके आए, क्योंकि इंसान प्रोफेशनल अलग होता है और पर्सनल अलग होता है। हर कोई हफ्ता खेलता है, घूमता फिरता है, दोस्तों यारों से सारी बातें शेयर करता है, तो इसलिए कभी बहुत ही सोच समझ के, बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए कि अगर प्रोफेशनल लोग हैं तो प्रोफेशनल ही रहें, अगर कोई कुछ है तो वो हर हर इंसान की, हर एक टीम की और हर एक इंडिविजुअल की एक लिमिट होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। हर बार आप क्यों बोल रही हैं, बोलने को बघेली का नाम क्यों खराब कर रहे हो? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा नाम आता है और मेरा मुद्दा है, मेरा नाम आया है, मेरे से जुड़े लोग हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मुझे ये नहीं है कि बाकी लोग चुप हैं या बाकी लोग दुम दबा के बैठे हैं या भाग गए हैं, कुछ भी है तो मैं भी वैसे ही करूं। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही हैं तो पूरी बातें आनी चाहिए तो आनी चाहिए, मेरी आदत है, मुझे बोलने की आदत है, मुझे नहीं रहा जाता कि सब कुछ जानते हुए भी मैं ऐसे चुपचाप से चिल मारते हुए बैठी रहूं, नाम कोई ले नाम कोई कुछ भी बोले तो भी मैं बैठी रहूं, मेरी ऐसी बिल्कुल आदत नहीं है। मुझे जो है वो मुझे बोलना आता है। कहाँ बघेली की तेरे ही होगी प्रभु, तेरे ही क्यों कोई करेगा, हर कोई बघेली पे ही काम कर रहा है और उसको बघेली को बढ़ा रहा, काम करना चाहता है, तेरे ही तो कुछ मतलब कुछ चीजें उठा के लोग कर देते हैं। आपने कब देख लिया लड़कियों को छेड़ते हुए, आपने देखा? यही तो बात है, यही तो गंदी सोच है, यही तो कीड़े भरे होते हैं यहाँ पे कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तो मान लो मैं आके इतने घंटे से क्या रामायण पढ़ रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि बात क्या है। कोई व्यक्ति 2 साल से साथ में अचानक से अलग हो गया, एक दूसरे को उटपटांग बोल रहा तो क्या सब सही हो जाएगा? नहीं होता ऐसे, है ना? अगर व्यक्ति गलत होता है तो कोई 2 साल से उसके साथ नहीं रहता है, ये सारी चीजें हैं। तो हमेशा आप लोगों की भी, मैंने बोला ना, आप लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी उतना ही उस चीज को समझे। कुछ भी ऐसे ही नहीं है कि जरूरी है कि हम लाइव देख रहे हैं तो कुछ भी कमेंट कर दें। लड़कियों को क्यों छेड़ता, कहाँ पे छेड़ा लड़कियों को? कुछ भी कहने से पहले आप भी हैं, आप भी लड़के हैं, आपका भी चरित्र होगा, किसी दिन आपके चरित्र पे आवाज उठेगी, कोई उंगली उठाएगा तो समझ में आएगा कि क्या बीतता है। कहने से पहले 1000 बार इसीलिए सोचना चाहिए किसी के चरित्र पे बोलने से पहले कि क्यों छेड़ता है, कहाँ पे छेड़ा, किसने देखा लड़कियों को छेड़ते हुए, कहाँ पे छेड़ा गया। वर्षा जैसे मेरी दोस्त थी वैसे ही हम लोग एक अच्छी कंपनी की तरह रहते थे। आज मन मुटा हुआ है, कुछ भी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा। कम से कम किसी के चरित्र पे हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ मैंने बोला आप लोग वो कर ये कि हाँ एक्टिंग के लिए, बघेली के लिए, काम के लिए आप लोग बोलिए कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, वीडियो अच्छा है कि वीडियो बुरा है, एक्टिंग अच्छी है कि एक्टिंग बुरी है, आप उस चीज़ों पर बोलिए ना यार, पर्सनल चीज़ों पर क्यों? और जो चीजें नहीं है वो भी, लड़की खुद बोल रही है तो लड़की की दोस्त मैं हूं, मैं बोल रही हूं ना, आप मेरे रील देख लीजिए, आप मेरी पोस्ट देख लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो में भी वो लड़की है, तो जब छेड़ा गया तो लड़की क्यों थी, क्यों थी लड़की वहां पे? लड़की खुद बोल रही है मुझे मतलब भी नहीं है, मैं इसीलिए मैं बहुत चिल लाइफ जीती हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि लोग कुछ का कुछ बोल रहे हैं, लड़की क्यों बोल रही है, क्या जरूरी है कि जो बोल रहा है तो वो गीता पे एकदम से हाथ रख के बोला हुआ है? मैं बोल रही हूँ ना तो आखिर सही होगा तो ही लाइव आके बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज मैं बोल रही हूँ कल कोई और रिएक्शन आएगा, कोई कुछ भी बोलेगा, तो मैं उतना ही बोलूंगी जितनी बात सही है, उससे एक न कम न एक ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि कल को हो सकता है कि हम तीनों को ही लाइव आना पड़े, तीनों को आमने सामने बोलना पड़े, तो मैं आंख में पैर डालने वाला काम नहीं करूंगी, मैं वही बोलूंगी जो सही है। चलिए ठीक है, जो भी था जैसा भी था मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि एक पक्ष कल तक एक पक्ष था, आज दोनों पक्ष हैं। अब कोई कैसा भी कमेंट करे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने अपना पक्ष रख दिया, जो सही था मैंने बता दिया, मेरी वो दोस्त थी, मेरे से जुड़ी हुई थी, मैंने मिलवाया था दोनों को, हम लोगों ने साथ में घूमा फिरा, काम भी किया, आपस में बहसबाजी हुई तो वो चीजें जाके वो
जब कोई लड़की गाली देती है लड़के को तो शायद इतना बड़ा मैटर नहीं होता, लड़का पलट के दे दिया तो मैटर हो गया, पुलिस थाना पत्रकारिता हो गई, बस हो गया। पर मैं यही उम्मीद करूंगी कि जो एक किसी ने एक पक्ष रखा है वो दूसरे पक्ष को भी रखे, एक ही न्यूज़ बना के ना चले। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपको मिर्ची क्यों लगती है? मिर्ची मुझे नहीं लगती है। मिर्ची लगने वाली बात ही नहीं है। जहाँ पे आपका नाम आएगा ना, तो अगर आप वहाँ से दुम दबा के भाग लोगे तो आप एक नंबर के डरपोक हो। मेरा नाम आया है, मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी मुझे मिर्ची नहीं लग रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।